अब हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल करेंगे इसी एनर्जी मेथड से ही करेंगे जिसमें कि इस स्प्रिंग का मास दिया होगा। अभी तक हमने जितने भी स्प्रिंग वाले क्वेश्चन किए किसी में भी स्प्रिंग का मास नहीं था। इसमें पहली बार ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें स्प्रिंग का मास दिया हुआ है। एक ब्लॉक है, इसका मास स्मॉल m और स्प्रिंग का मास है ms। हमें पता करना है कि अगर इस ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए तो इस सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर ये जो ब्लॉक है ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे डिस्प्लेस हो गया है एक्स, और ये वी वेलोसिटी से आगे की तरफ चल रहा है ना। तो मैं ये मान लेता हूं कि जो स्प्रिंग है इसका लेंथ अभी है एल। ठीक है, इलोंगेटेड है लेकिन इलोंगेटेड पोजीशन में इसका लेंथ एल है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से वाई डिस्टेंस पर ये जो वाल है, वाल से वाई डिस्टेंस पर डी वाई लेंथ का एक स्प्रिंग का छोटा सा एलिमेंट लेता हूं, है ना। कंसीडर स्मॉल एलिमेंट ऑफ स्प्रिंग ऑफ लेंथ डी वाई। तो उस छोटे से एलिमेंट का अगर मास निकालेंगे तो मास होना चाहिए लैम्डा इंटू उसका लेंथ। लैम्डा क्या है, लीनियर डेंसिटी है, यानी मास टोटल एम एस है और लेंथ टोटल कितना है एल। तो ये हो गया लीनियर डेंसिटी इंटू डी वाई, ये मास हो गया उसका। अब देखेंगे कि अगर ये जो स्प्रिंग है, यहां वाला स्प्रिंग वी वेलोसिटी से चल रहा होगा जितनी वेलोसिटी से ब्लॉक चल रहा है, और यहां वाला स्प्रिंग जो है ये जीरो वेलोसिटी से चल रहा है क्योंकि ये रेस्ट पर होगा, फिक्स्ड है यहां पर। तो स्प्रिंग में डिफरेंट पार्टिकल्स जो है वो डिफरेंट वेलोसिटी से चल रहे होंगे, है ना। यानी यहां वाला जो एलिमेंट है स्प्रिंग का वो वी से चल रहा होगा और यहां वाला एलिमेंट जो है वो जीरो से चल रहा होगा। तो ये वाला एलिमेंट जो है वो किस वेलोसिटी से चलेगा, है ना। तो मैं ऐसे निकालता हूं कि यहां से यहां तक जाने में जो है v माइनस जीरो, वेलोसिटी का चेंज होगा v माइनस जीरो। तो आप देखेंगे यहां पर, या ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, v माइनस जीरो बाई l, मतलब l डिस्टेंस जाने पर वेलोसिटी का जो चेंज है वो होता है v माइनस जीरो, यानी इतना से चेंज हुआ। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ कर सकते हैं, इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहा जा सकता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो अगर यहां पर वेलोसिटी मान लेता हूं कि u है तो इसको लिखूंगा मैं u माइनस जीरो बाई वाई, है ना। जैसे v माइनस जीरो बाई एल कर दिया, उसी तरह से यहां पर करेंगे u माइनस जीरो बाई ये वाला डिस्टेंस y से डिवाइड कर देंगे। तो इस एलिमेंट की जो वेलोसिटी है u, इसकी वैल्यू आ जाएगी वी वाई बाई एल। ये आ गया। अब ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसका मास भी हमें पता है, इसकी वेलोसिटी भी पता है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ इसका मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेट करके पूरे स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, है ना। तो इधर तो आएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी के, और इधर आएगा वन बाई टू मास, देख सकते हैं ये है एम एस बाई एल इंटू डी वाई, डी एम हो गया। और यू की जो वैल्यू है वो इतना है वी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, यू की वैल्यू इतनी है, चूंकि यहां यू स्क्वायर है इसलिए मैंने इसका स्क्वायर कर दिया यहां पर। तो इस स्प्रिंग की मैं यहां पर के एस लिख देता हूं, है ना, डी के एस, स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी। यहां से इसमें जो कॉन्स्टेंट टर्म है इनको मैं बाहर निकाल देता हूं, एम एस बाई टू एल क्यूब वी स्क्वायर, इधर बचेगा वाई स्क्वायर डी वाई, और वाई की जो वैल्यू है जीरो से एल तक लेना है, यानी कि ऐसे एलिमेंट हमें यहां से यहां तक लेने हैं, सबकी काइनेटिक एनर्जी निकाल करके जोड़नी है। तो जीरो से एल तक इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा एम एस बाई टू एल क्यूब इंटू वी स्क्वायर इंटू, इसका इंटीग्रेशन आएगा वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई थ्री, लिमिट रखेंगे तो आएगा एल क्यू बाई थ्री। तो देखेंगे यहां से एल क्यू ये गया और एल क्यू ये गया, तो ये आ गया
एम एस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, ये स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब मैं सिस्टम की टोटल एनर्जी लिखना चाहूं तो स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा 1/6 जो यहां पर आया है एम एस वी स्क्वायर, प्लस ब्लॉक की एनर्जी लिखना चाहूंगा तो आएगा 1/2 m v स्क्वायर, प्लस ये जो स्प्रिंग है इसमें मैंने मान लिया कि x इलोंगेशन है तो x इलोंगेशन होगा तो इसको लिखेंगे 1/2 k x स्क्वायर इज, है ना, ये आएगा टोटल एनर्जी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एम एस बाई 6, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है एम एस बाई 6, वी स्क्वायर का आएगा 2v dv/dt प्लस m बाय 2 कॉन्स्टेंट है इसका आएगा 2v dv/dt प्लस k/2 एक्स स्क्वायर का आएगा 2x dx/dt और ये सारा मिलकर के होना चाहिए 0 जैसा कि हमने पहले पढ़ा है। तो इसमें से देखेंगे ये 2 और 6 है, 2 से कैंसिल करेंगे तो नीचे आ जाएगा 3, यहां 2 से 2 गया, यहां 2 से 2 गया, इसमें एक v है, यहां भी एक v है और ये dx/dt जो है ये भी v है, ये बाहर कर देंगे। तो अब देखेंगे कि यहां पर अगर मैं dv/dt कॉमन लेता हूं तो यहां बचेगा ms/3 प्लस यहां बचेगा m = -kx, तो यहां से जो एक्सेलरेशन आएगा यह आ जाएगा -k/m + ms/3 × x, इसका कंपेरिजन करना चाहिए -ω² x से, तो यहां से ओमेगा का जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा k/m + ms/3 और यहां से टाइम पीरियड निकाला जाएगा तो 2π√m + ms/3/k, तो ये इसका टाइम पीरियड आ जाएगा।